Shit, I forgot the key. Oh no. और मेरा फोन भी गीला हुआ जा रहा है बार बार कैमरा के ऊपर पानी, और मुझे लगता है इतना ब्यूटीफुल ये वीडियोस में नहीं दिखेगा जितना अच्छा ये रियल में। मैं ज्यादा तेज चला रही थी 60 से ऊपर, तो इसने मुझे मैं स्कूटी रुकवा के मुझे कहा तू पीछे बैठ मैं चला। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज आशिमा शर्मा एंड आई जस्ट होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज मेरा दूसरा दिन है चंगमाई में, और अभी हम जा रहे हैं एक कैफे जिसका नाम है सनरेज कैफे, और मैं मेरे हॉस्टल में मिली एक लड़के से, ही इज फ्रॉम थाईलैंड, और इसको स्कूटी चलाना भी काफ़ी अच्छे से आती है, और ये हैप्पी थाईलैंड से है तो इसको ज़्यादा पता है यहाँ का, तो मैंने कहा चलो साथ में चलते हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं सनरेज कैफे, सनरेज कैफे दिस साइड, यस यस। उसके बाद हम जाएंगे एक और जगह, वो बहुत फेमस जगह है यहाँ पे। सो पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट सनरेज कैफे में, और उसके बाद हम जाएंगे चंगमाई की सबसे फेमस जगह है, और वो है यहाँ का नेशनल पार्क जहाँ पे हम रह रहे हैं, वहाँ से 55 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप चंगमाई आ रहे हो तो ये सोच के आओ कि आपको इतना तो भाई इतना आपको ट्रैवल करना पड़ेगा यहाँ जगह देखने के लिए। सो हम पहुँच गए हैं कैफे के बाहर, ये है सनरेज कैफे। ज़्यादा बड़ा तो ये मुझे दिख नहीं रहा, बाहर भी थोड़ी सी जगह बैठने के लिए। अभी अंदर चल के देखते हैं कि अंदर कितनी जगह है, आई होप इसके ऊपर भी हो जगह, अदरवाइज ये बहुत छोटा सा कैफे है। हाय हेलो थाईलैंड, सो ही इज़ द गाय जो मुझे यहाँ हॉस्टल में मिला था। तो अभी हमें करना पड़ रहा है वेट, क्योंकि यहाँ पे पूरा फुल है इस टाइम पे, और हमें कम से कम 20 मिनट वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम अंदर जा सकते हैं। तो चलो वेट करते हैं 20 मिनट। तो अगर आप इस कैफे आ रहे हो, सनरेज कैफे काफ़ी अच्छा कैफे है, मैंने इसका काफ़ी अच्छे रिव्यूज देखे थे, तो अगर आप आ रहे हो तो कोशिश करो पर जल्दी थोड़ा जल्दी आ सको, क्योंकि ये टाइम ऐसा है 11 बजे के करीब जब मोस्टली लोग आते हैं लेट उठ के। ओके सो अभी हम आ चुके हैं अंदर कैफे के, हमें जगह मिल गई और काफ़ी सारी वेराइटीज़ इनके पास खाने के लिए। एंड मैंने ऑर्डर किया है ये स्कैम्बी सैंडविच, और अब देखते हैं इसकी क्या क्वांटिटी आती है, और ये 153 बात का है अंदर से मेन्यू। सो ये आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग दिस स्क्रैम्बल्ड एग सैंडविच। सो अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छी, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है, टेस्टी है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। जिस तरह से इस रेस्टोरेंट को हाइप अप किया गया है सोशल मीडिया में, इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट, और काफ़ी टेस्टी फूड है। मैंने सिर्फ एक सैंडविच ऑर्डर किया था लाइक विथ स्क्रैम्बल्ड एग्स, और मेरे से पूरा खाया भी नहीं जा रहा था, बट समहाउ आई फिनिश्ड इट। सो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, आई 110% रिकमेंड दिस प्लेस। ओके सो हम आ गए ब्रेकफास्ट करके बाहर, और अभी हम जा निकलेंगे नेशनल पार्क के लिए। अभी हमारा पेट्रोल भी ख़त्म होने को आ गया है, थोड़ा सा बचा है, अभी हम पेट्रोल पंप ढूंढ रहे हैं कहीं पे हमें मिल जाए ताकि हम इसको रीफिल करवा लें टैंक, और अभी भी 50 मिनट बाकी है भाई, बहुत ज़्यादा दूर है। और एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी जो हमने नहीं करी, सुबह जल्दी निकलो अगर आपको जाना है ना, तो सुबह जल्दी निकलो, हमारे अभी 1:30 बज चुके हैं, हम आराम से उठे 10 बजे तो हो गया टाइम आगे पीछे, तो जल्दी निकलो अगर आप यहाँ पर हो, आप जा रहे हो सुबह 8-9 बजे निकल जाओ। पहली चीज़ धूप कम होगी, बाइक पे जा रहे हो तो इतना गर्मी नहीं लगेगी, इतना सनबर्न नहीं होगा। दूसरी चीज़ टाइम पे पहुंचोगे, तीसरी चीज़ वहाँ पे ज़्यादा टाइम मिलेगा एक्सप्लोर करने के लिए, तो बेस्ट है। हाउ आर यू फीलिंग? आई एम कोर्स। यू गुड? या। ओके परफेक्ट। मैं ज़्यादा तेज चला रही थी 60 से ऊपर, तो इसने मुझे
मेरी स्कूटी रुकवा के मुझे कहा तू पीछे बैठ मैं चलाता हूँ, तू मरवाएगी कहीं मुझे। तो अब मुझे बार बार बोला था 60 से कम 60 से कम, तो मुझे वो आदत है ना, जब मुझे हाईवे दिख जाता तो मैं जाने देती हूँ। लेट्स गो या अब हमने भरवा लिया अपना टैंक स्कूटी का और अब हम निकल रहे हैं वापस। चलो सूरज देवता जी प्रकट हो रखे हैं हमारे ऊपर बिल्कुल, पर कोई नहीं। अभी हम एक जगह रुके हैं यहाँ पे, यहाँ से हमने खरीदी है टिकट अंदर जाने की और अभी भी हमारा 20-25 मिनट दूर है और यहाँ से हमने टिकट खरीदी है जो हमें मिली है 300 रुपए की दो जनों की। तो अब हम यहाँ से जाएंगे अंदर। भाई बहुत है, जो मोटो व्लॉगिंग करते हैं या जो लोग ज्यादा बाइक वाइक चलाते हैं ना उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, बट मेरे जैसों के लिए थोड़ा लंबा है ये रास्ता। सो हम पहुंच चुके हैं फाइनली इस नेशनल पार्क में। भाई मैंने मेरी लाइफ में इतना कभी स्कूटी नहीं चलाई जितनी मैंने आज चलाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्यारे माउंटेन्स है। खैर मैं जम्मू से हूँ, मेरे लिए वो कुछ नया नहीं है, बट स्टिल इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट। ये देखो पीछे इतने प्यारे फूल लगे हुए हैं। हम जाएंगे अंदर यहाँ से हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके देखते हैं नेशनल पार्क। ओह गॉड माय एस इज हर्टिंग सो बैड राइट नाउ। ये कुछ ऐसा दिखता है, वाओ जस्ट लुक एट दैट। ओके दीज आर सकुरा, दीज फ्लावर, ये जो पिंक फ्लावर है इनको बोलते हैं सकुरा। नाइस, लेट्स गो। यू आर हैप्पी? या आई एम हैप्पी दैट यू आर हैप्पी। हाउ वाज माय ड्राइविंग? माय ड्राइविंग हाउ वाज इट? इज इट गुड बैड? या गुड। गुड? या माय ड्राइविंग वाज गुड। Really good. My driving was really, really good. What is this? Okay, so अभी हम आए हैं वाची रथन वॉटरफॉल। ये चंग माई में जितने भी फेमस वॉटरफॉल्स हैं उनमें से एक है। हम पहले आगे चले गए थे और उसके वहां पे कुछ भी नहीं है देखने वाला, और जब हमने मैप पे चेक करी है जगह तो ये सारी पीछे थी। हम वापस 11 मिनट पीछे आए हैं ये वाटरफॉल देखने, और सारी जगह जो है मोस्टली वो पीछे ही है। सो ये दिख रहा है वाटरफॉल, दैट्स द फेमस वाटरफॉल, और ये काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है मैं आप लोगों को बता दूं। चलो अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं वाटरफॉल। वाओ दैट्स सो ब्यूटीफुल। हेलो भाई, सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत वाटरफॉल है ये। मैंने मेरी पूरी लाइफ में अभी तक मैंने ऐसा वाटरफॉल नहीं देखा। सो जो हाइप हो रखी है इसकी भी जो हाइप है वो भी वर्थ इट है, बिकॉज इट इज सो ब्यूटीफुल। और मुझे लगता है इतना ब्यूटीफुल ये वीडियोज में नहीं दिखेगा जितना अच्छा ये रियल में। बहुत मस्त वॉटरफॉल है यार, सुपर सुपर। हमारा हम गीले हो चुके हैं। यस यू वांट टू गो डाउन देयर? ओके हम गीले हो चुके हैं यार, क्योंकि पानी पड़ रहा है मुंह के ऊपर और ठंड भी लग रही है अभी, और मैंने हाफ पहना हुआ है, बट इट्स ओके। एक तरफ से ठीक भी है क्योंकि गीले हो रहे हैं तो कपड़े नहीं है, अदरवाइज कपड़े गीले रहते हैं। सो अब हम जा रहे हैं और नीचे, इसको और नीचे जा रहे हैं भाई, इसको नीचे 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 जाना है, इसको डर नहीं लगता, और मुझे सीढ़ी उतरने में बहुत डर लगता है, और मेरा फोन भी गीला हुआ जा रहा है बार बार कैमरा के ऊपर पानी। गुड यू गुड वी गोइंग अप? चलो आई थिंक
आई थिंक वहां से हम आए हैं नीचे और यहाँ से दैट्स एग्जिट राइट या हाँ यहाँ से हम निकल सकते हैं पर मेरी कैब अभी भी वहां पे पड़ी हुई है छोड़ के आई थी ओके ठीक है हम वहां से एंटर करे थे ये एग्जिट करके ऊपर परफेक्ट लेट्स गो कम नाउ आई नीड अ कॉफी अब मुझे कॉफी चाहिए कोई ढूंढते यहाँ पे जगह जितना मुझे लग रहा था कि यार हम इतनी दूर आ गए है ना डेढ़ दो घंटा और कुछ ढंग का मिल भी नहीं रहा ये वो सब वर्थ इट हो गया ये वॉटरफॉल देख के दैट्स अमेजिंग आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस बट बहुत खूबसूरत है यार सच में सो अब हम लगे पीने कॉफी मतलब इतना अच्छा वॉटरफॉल है सामने और अगर आप वहां बैठ के कॉफी ना पियो और वॉटरफॉल एंजॉय ना करो तो मतलब क्या मजा स्पेशली फॉर कॉफी लवर्स है ना तो अभी हम बैठेंगे कॉफी पियेंगे आराम से वॉटरफॉल देखेंगे वैसे इसके अंदर खाने पीने वाली चीजें अलाउड नहीं है जब आप सीढ़ियां चढ़ के जाओगे तो हम यहीं बैठ के कॉफी पियेंगे ये रहा हमारा वॉटरफॉल ये रहा कॉफी अमेरिकन नजारा हमारा अधूरा रह गया क्योंकि कॉफी शॉप क्लोज हो चुकी है I really wanted to sit here and have a coffee with this view, but it's okay. अब मुझे 7-Eleven कहाँ है हर टाइम मेरे उसमें मेरी मुसीबत में मेरा साथी है वो बट अभी यहाँ पे नहीं अभी मुझे उसकी सच में जरूरत चाहिए बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू हैव अ कॉफी हेयर क्लोज हो गया गलती उनकी नहीं है हम लेट आए हैं क्योंकि अभी 5:30 हो रहे हैं यहाँ पे यूजली चंगमाई में आप देखोगे ना तो यहाँ पे 3-4-5 बजे कुछ शॉप्स हैं सारी नहीं नाइट मार्केट छोड़ के कुछ ऐसी शॉप्स हैं कैफेज हैं जो जल्दी बंद हो जाते हैं तो कुछ नहीं कर सकते अब हमारी दन्नो खड़ी है अब हम चलते हैं वापस और अब नाउ हिल ड्राइव आज चाबी मेरे उसमें पड़ी हुई है अभी शिट आई फॉरगॉट द की ओह नो वेयर इज की No. Where is he? He was there. Now. Check. No. I gave you. No. I gave you. Gary. No, I gave you the key. I gave him the key. Seriously? I gave you the key. Oh no. Here's the key. He's so innocent. मेरा मन नहीं करा ज्यादा देर तक यू नो ऐसे prank करने का मैं देख रही थी मुझे तरस आ गए I just got you. I got you. I was just pranking. You're me and me extra. Okay, let's go. सो अभी हम एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं हमारा एलिफेंट सेंचुरी जाने का प्लान था बट अंधेरा हो रहा है सनसेट ऑलमोस्ट हो गया है तो हमने सोचा कल जाएंगे क्योंकि मुझे एलिफेंट सेंचुरी सच में जाना है और अभी हम एक पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं और यहाँ पे सनसेट हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ जस्ट लुक एट दैट ये देखो इतना प्यारा सनसेट हो रहा है ना यहाँ पे अभी हम तो सडनली रुक गए हम जा रहे थे तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आप चंगमाई आ रहे हो पहली चीज तो आपको स्कूटी वगैरह भाई सच में आनी चाहिए अदरवाइज आप ये जो टूरिस्ट एजेंसीज होती हैं आप इनको 1500-2500 बात एक दिन का पे अगर आप कर सकते हो तो वो आपको जगह घुमाएंगे अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हो तो आप स्कूटी ले लो 200-250 की आपको स्कूटी मिल जाएगी आपके साथ कोई और है तो आप शेयरिंग में आप ले सकते हो और थोड़ा है आपको 1.5-2 घंटा आपको जाना पड़ेगा अगर आपको ज्यादा जगह घूमनी है तो मेरा एक सजेशन है कि सुबह जल्दी निकलिएगा 8 बजे तक निकल जाओ ताकि आप 10 बजे तक वहां पहुंच सको और आपके पास पूरा दिन हो घूमने के लिए आसपास बहुत सारी जगह है और मैं बोलती हूँ 2 या 3 दिन चंगमाई में काफी है अगर आप सुबह जल्दी उठते हो रोज और शाम को घूम के वापिस आते हो तो इनफ है 3 दिन इनफ है चंगमाई में खैर मैं तो आज 1-2 जगह गई बट मैं जहां पे भी गई दैट वाज कम्प्लीटली वर्थ इट और कल मैं जाऊंगी एलिफेंट सेंचुरी जाना है और एक और जगह मेरे माइंड में मुझे वहां जाना है
तो दैट्स इट आज के लिए इतना ही. एंड गाइज प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड डू लेट मी नो ये वीडियो आपको कैसा लगा.